ते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है, मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, टमाटर, बाजरा, धनिया, अरंडी और उड़द की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ भाव पर चर्चा के लिए जुड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। ज्यादातर मंडियों में सुस्ती के साथ हुए गेहूं के सौदे, कहीं स्थिर रहे भाव। गोलूवाला मंडी में 200 रुपए टूटे टमाटर के भाव, अलीगढ़ मंडी में 3000 रुपए पर हुई खरीद। और राजकोट मंडी में 2275 रुपए पर हुए कारोबार, उदयपुर मंडी में 2600 रुपए पर हुए सौदे बाजरे के। और सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं के। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को गेहूं के सौदे सुस्ती के साथ हुए। राजकोट, ध्रोल और लालसोट मंडी में गेहूं का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। दूसरी ओर कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। गेहूं के कारोबार पर देखिए ये रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बुधवार को गेहूं का कारोबार गिरावट के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में गेहूं के भाव में कोई बदलाव नजर नहीं आया। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान गिरावट देखने को मिली। यहां 17 सितंबर को गेहूं का भाव रहा 2850 रुपए, जो 18 सितंबर को 25 रुपए लुढ़क कर 2825 रुपए रह गया। इसी तरह राज्य की ही ध्रोल मंडी में भी गेहूं के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहां 17 सितंबर को गेहूं का भाव था 2650 रुपए, जो 18 सितंबर को 55 रुपए गिरकर 2595 रुपए क्विंटल रह गया। राजस्थान की लालसोट मंडी में कमजोरी का सिलसिला जारी रहा। 17 सितंबर को गेहूं का भाव था 2600 रुपए, जो 18 सितंबर को 20 रुपए कमजोर होकर 2580 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में गेहूं के सौदों में स्थिरता देखने को मिली। यहां 17 सितंबर को गेहूं का भाव था 2540 रुपए, 18 सितंबर को इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2540 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी के मौसम से अलग कर दिया गया है और इसे तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है। इसलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल हैं। बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 1,129,25,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल गेहूं की उपज की तुलना में 23,71,000 मीट्रिक टन अधिक है। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शिव श्रीवास्तव जी, मंडी खबर में आपका स्वागत है। मौजूदा हालात को देखते हुए गेहूं के बारे में क्या संभावना लग रही है? गेहूं की बात करें तो कीमतों में हल्का गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में गेहूं की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले समय में गेहूं की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो जैसे कि आप बताए थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है, तो किसानों को ऐसे में क्या करना चाहिए, कितना इंतजार उन्हें करना चाहिए ताकि और बेहतर भाव उन्हें मिल सके? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो ये सलाह है किसानों के लिए। बने रहे श्री श्रीवास्तव जी हमारे साथ, आगे भी हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं टमाटर की। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को टमाटर का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। कुछ मंडियों में इसके सौदे स्थिर भाव पर हुए। टमाटर के कारोबार पर आइए देखते हैं हमारी अगली रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है।
भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में टमाटर के भाव में उठा पटक देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान टमाटर की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहां दोनों दिन यानी 17 और 18 सितंबर को टमाटर 3000 रुपए पर बिका। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में टमाटर का कारोबार गिरावट के साथ हुआ। यहां 18 सितंबर को टमाटर का भाव 200 रुपए टूटकर 3200 रुपए से 3000 रुपए पर आ गया। इसी तरह राजस्थान की गोलूवाला मंडी में भी टमाटर के सौदों में नरमी देखी गई। यहां 17 सितंबर को टमाटर का भाव रहा 3000 रुपए, जो कि 18 सितंबर को 200 रुपए लुढ़क कर 2800 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में टमाटर का कारोबार मजबूती के साथ हुआ। 17 सितंबर को टमाटर का भाव रहा 2800 रुपए, 18 सितंबर को इसके भाव में 200 रुपए की बढ़त हुई और भाव 3000 रुपए हो गया। बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। आइए श्री श्रीवास्तव जी से बात करते हैं। सर, टमाटर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, भाव की स्थिति क्या नजर आ रही है और आगे बाजार कैसा रह सकता है? टमाटर की बात करें तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक उत्पादन की बात की जाए, अतिवृष्टि से उत्पादक क्षेत्रों में फसल को नुकसान की खबर है। जी, तो बिल्कुल जैसे कि आप बता रहे हैं कि अभी मांग और आपूर्ति में काफी फर्क नजर आ रहा है फिलहाल के समय में, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आगे को लेकर, बाजार को देखते हुए उन्हें क्या करना चाहिए? जहां तक आने वाले समय में टमाटर की कीमतों की बात करें, कुछ दिनों तक आवक में कमी के कारण टमाटर की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। उसके बाद नई फसल के आने के बाद इसकी कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो नई फसल की आवक जैसी होगी तो भाव नरम हो सकते हैं, जैसा कि कहना है शिव श्रीवास्तव जी का। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मूंग की। तो नजर डालते हैं देश की विभिन्न मंडियों में मूंग के भाव कैसे रहे। आप देख सकते हैं कि गुजरात की धोराजी मंडी में भाव रहा 8030 रुपए और वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 7750 रुपए। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में भाव रहा 7290 रुपए। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में भाव रहा 8610 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार बात होगी बाजरे की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में चार चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विचगियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और बुलेटिन के हिस्से में हम जानेंगे धनिया के बारे में, लेकिन पहले नजर बाजरा पर। बाजरा के बारे में आपको बता दें कि देश की विभिन्न मंडियों में बाजरे के सौदों को लेकर मिला जुला रुख यहां पर देखने को मिल रहा है और कृषि मंत्रालय ने अभी जो ताज़ा आंकड़ा जारी किया है उसके मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ बाजरे की बुआई 59,55,000 हेक्टेयर में हो सकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ बाजरा 70,81,000 हेक्टेयर में बोया गया था। फिलहाल मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में बाजरे का भाव रहा 2300 रुपए, राज्य की राजकोट मंडी में भाव रहा 2275 रुपए, राजस्थान की उदयपुर मंडी पर आइए नजर डालते हैं जहां पर बाजरे का भाव रहा 2600 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में बाजरे के सौदे 1965 रुपए पर हुए। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है। साल 2023-24 के दौरान खरीफ बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 में 125 रुपए बढ़ाकर 2625 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
बाजरे की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल बाजरे की पैदावार 95,31,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल बाजरे की पैदावार 114,31,000 टन रही थी। और आइए एक बार फिर से चलते हैं बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी के साथ, लगातार हमारे साथ टेलीफोन पर जुड़े हुए हैं। श्री श्रीवास्तव जी, बाजरे की भाव की स्थिति क्या नजर आ रही है, क्या हो सकती है आगे? बाजरा की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में बाजरा की बुआई की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस सीजन में अभी तक बाजरा की बुआई में कमी देखने को मिली है। जी, आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से बाजरा की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में तेजी की संभावना है, जिस कारण से आने वाले दिनों में बाजरा की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो आगे तेजी हो सकती है बाजरा में, ऐसा कहना है श्री श्रीवास्तव जी का। आप हमारे साथ बने रहें सर, और आइए बढ़ते आगे और बात करते हैं केले के भाव की। शुरुआत करते हैं केरल की अंचुल मंडी से, जहां पर केले का भाव रहा 7,600 रुपये। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 2,950 रुपये। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में भाव रहा 3,000 रुपये। और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,750 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं अनार की। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में अगर हम अनार के भाव की बात करें तो यहाँ भाव दर्ज किया गया 14,000 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में आप देख सकते हैं यहाँ पर भाव रहा 6,500 रुपये। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में भाव रहा 11,000 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 7,250 रुपये। अनार के बाद आइए अब बात करते हैं धनिया की। यहाँ आपको बता दें कि ज़्यादातर मंडियों में इन दिनों धनिया की आवक सामान्य बनी हुई है। एग मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जेतपुर मंडी में धनिया का भाव रहा 6,655 रुपये। राजकोट मंडी में धनिया 6,800 रुपये पर बिका, जबकि राज्य की ही वीसावदर मंडी में धनिया के सौदे 5,690 रुपये पर हुए। विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ था, जबकि बीते साल आपको बता दें यानी 2022-23 में इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 लाख टन यहां पर आप देख सकते हैं इतना दर्ज किया गया। देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात तकरीबन 8% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान धनिया का निर्यात आप देख सकते हैं कि 1,08,624 यहां पर आप देख सकते हैं कि ये सभी आंकड़े टन में हैं, जबकि बीते साल इस दौरान धनिया का निर्यात 54,481 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात करीब 54,143 टन बढ़त इसमें देखने को मिली है। और आइए बात करते हैं श्री श्रीवास्तव जी से। सर, धनिये के बारे में क्या कहना चाहेंगे? धनिया की बात करें तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां हाजिर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ वायदा बाजार में भी मजबूती दिख रही है। जहां तक मांग की बात करें, मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में कुछ कमी देखने को मिली है। जी जी। जहां तक निर्यात की बात करें, धनिया के निर्यात में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी तेजी की संभावना है। जी, तो जिस कारण से आने वाले दिनों में धनिया की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी जी, आगे आप जैसे बता रहे हैं कि भाव तेज हो सकते हैं, तो श्रीवास्तव जी क्या करना चाहिए किसानों को? मतलब आगे भाव तेज होंगे तो उन्हें इंतजार ही करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से?
जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। ठीक है। आने वाले दिनों में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण इसकी कीमतों में और भी ज्यादा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो अभी इंतजार करें किसान, और बेहतर भाव मिल सकते हैं आने वाले समय में, ऐसा कहना है हमारे एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी का। फिलहाल इसी के साथ ही आप वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, आगे हम जानेंगे अरंडी का हाल। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें दूरदर्शन किसान। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और आइए बात करते हैं अरंडी की। बुधवार को देश के ज़्यादातर मंडियों में अरंडी की आवक में खासी हमने सीमित यहां पर आवक देखी। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में अरंडी का भाव रहा 5,855 रुपये, राजकोट मंडी में भाव रहा 5,935 रुपये, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 5,500 रुपये पर हुए। वहीं बात अरंडी की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ अरंडी की पैदावार 18.79 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरंडी की उपज 19.80 लाख टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में 1.01 लाख टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए बात करते हैं श्री श्रीवास्तव जी से। सर, क्या कहना चाहेंगे अरंडी के बाजार के बारे में? अरंडी की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले दिनों में अरंडी की कीमतों की बात करें, कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद अरंडी की कीमतों में आने वाले दिनों में थोड़ा तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। जी जी, तो किसानों को क्या करना चाहिए? अब तेजी का रुख देखने को मिलेगा, थोड़ा इंतजार जैसा कि आप बता रहे हैं कुछ समय बाद, तो करना चाहिए किसानों को कि या क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए उनके? जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, चलिए हमारे साथ बने रहें सर। फिलहाल अब आखिर में बात करते हैं उड़द की। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को उड़द की अगर हम आवक की बात करें तो ये सामान्य दर्ज की गई। वहीं इसके भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में उड़द का भाव रहा 7,165 रुपये, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में उड़द की खरीद 10,750 रुपये पर हुई, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में उड़द का कारोबार 9,100 रुपये पर हुआ। बात उड़द की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 23 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 26,31,000 टन हुई थी। और आइए बात करते हैं उड़द पर। सर, उड़द के बाजार को किस तरह से देख रहे हैं आप? उड़द की बात करें तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में उड़द की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले समय में उड़द की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी जी, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी सर? जिन किसानों के पास उड़द का स्टॉक है मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से उड़द की कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं किसान, आने वाले समय में भाव और बेहतर हो सकते हैं, किसानों को अच्छे दाम मिल सकते हैं उड़द के। बहुत बहुत शुक्रिया श्री श्रीवास्तव जी समय निकालने के लिए, और मंडी खबर के माध्यम से हमारे दर्शकों का सही मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए बात करते हैं हमारी जो अगली फसल है सरसों, तो इसकी स्थिति क्या रही? गुजरात की राजकोट मंडी में सरसों का भाव रहा 5,700 रुपये, राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 6,400 रुपये, उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में भाव रहा 5,560 रुपये, पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में भाव रहा 6,200 रुपये।
और इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद हो रही होगी। चलते चलते आपको ये बता दें कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर अभी दिखाए जाने वाले QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। ये QR कोड है जिसे आप अभी स्कैन करें और यूट्यूब पर भी देखें मंडी खबर। नमस्कार, लेकिन आप देखते रहें दूरदर्शन किसान। सेमीफिनाले टू आज हम मिलेट्स के फार्म पे कर रहे हैं। मिलेट्स का आज पैकिंग करने का है। जो भी टास्क में आगे रहेगा उसको मिलेगी एक एडवांटेज, तब मेरे को टेंशन हो रही। 30 kg बैग्स का वेट करना है, वेट करके वैक्यूम पैकिंग मशीन में रख कर उसको वैक्यूम पैकिंग करने का है। कहीं ना कहीं मैंने गलती की है, वेट में ये कम पड़ रहा है। डू और डाई सिचुएशन मेरे लिए क्रिएट हो रही है। देखिए खेत खेत में हर शनिवार और रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 11 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।